नमस्कार वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में मानसून अब पूरी तरह लय में है। राजधानी मुंबई में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो कोल्हे हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उम्मीद से भी अधिक भयावह साजिशों की परतें खुल रही है। वही दिग्रस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना के वादी विधायक संजय राठौड़ का कहना है कि आज नहीं तो कल या महीनों बाद जब भी उद्धव जी को बागी विधायकों के विचार सही लगने लगेंगे तो सभी 40 बागी विधायक शिवसेना में लौट आएंगे। तो उधर शिंदे सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई का इंतजार कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर करने के बाद भाजपा हाईकमान बैलेंस बनाने की कोशिश में है और इसके तहत कुछ ऐसे नेताओं को अहम रोल मिल सकता है जो अब तक किनारे लग रहे हैं। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र में मानसून अब पूरी तरह लय में है। राजधानी मुंबई में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अंधेरी, बांद्रा सहित कई इलाकों में जलजमाव हो गया है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यहां पर 10 जुलाई तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है। वहीं रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए 9 जुलाई तक, तो पालघर, पुणे, कोल्हापुर और सातारा में 8 जुलाई तक रेड अलर्ट है, जबकि ठाणे में 10 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने साउथ कोकण, गोवा और साउथ सेंट्रल महाराष्ट्र में भी रेड अलर्ट घोषित किया है। वहीं नॉर्थ सेंट्रल महाराष्ट्र, पूर्वी विदर्भ और पश्चिमी विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पुणे, सातारा और कोल्हापुर जिलों में भी भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 3 दिन तक यहां मूसलाधार वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिन घाट इलाकों में भारी बारिश होगी। पुणे के लिए आज 7 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से राज्य की नदियों में भी उफान देखा जा रहा है। NDRF और SDRF की टीमों को कई जिलों में तैनात किया गया है। कोल्हापुर की पंचगंगा नदी खतरे के निशान से केवल 7 फीट नीचे है। कोल्हापुर की सिरोल तहसील में NDRF की 2 टीमों को तैनात किया गया है। बता दें कि कोल्हापुर जिले में साल 2019 और 2021 में भयंकर बाढ़ आई थी। कोल्हे हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उम्मीदों से भी अधिक भयावह साजिशों की परतें खुल रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इस मामले में एंट्री भयावहता और बढ़ा रही है। साफ है कि ये महज एक हत्या नहीं, आतंक फैलाने की गहरी साजिश है। वक्त रहते एजेंसियों की सतर्कता आतंक की जड़ें हिला रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सोहेल नदवी को NIA ने बुधवार की सुबह करीब 7 बजे घर से उठाकर हिरासत में ले लिया। मामले में आरोप है कि उसके कनेक्शन मास्टरमाइंड इरफान से थे और इसमें फोन के साथ ही उनके आर्थिक व्यवहार का खुलासा हुआ है। जांच में खुलासा हुआ है कि मामले का मास्टरमाइंड इरफान शेख नागपुर से नेपाल भागने की फिराक में था। इससे पहले कि वो नेपाल फरार होता, पुलिस ने उसे नागपुर के हसनबाग से गिरफ्तार कर लिया। इरफान समेत सभी 7 आरोपियों को मुंबई ले जाया गया है। इसी बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम बुधवार को पुलिस के साथ 8वें आरोपी शमीम फिरोज के अल करीम नगर स्थित घर पहुंची तो घर पर ताला लटका हुआ था। NIA ने बंद घर के फोटो निकाले और वापस लौट गई। इसके बाद NIA के दल ने उकसाने वाले लोगों से तथा जिन 4 WhatsApp ग्रुप पर उमेश कोल्हे की पोस्ट वायरल की गई थी, उन ग्रुप ब्लैक पैंथर सहित 4 ग्रुप के एडमिन से पूछताछ की। इसी बीच पकड़े गए अन्य आरोपियों को लेकर NIA की टीम मुंबई रवाना हो गई है। दिग्रस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना के बागी विधायक संजय राठौड़ ने यवतमाल में कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके कोई मनमुटाव नहीं है, बल्कि ये विचारों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि बगावत के लिए संजय राउत की बड़ी भूमिका रही है, फिर भी आज नहीं तो कल या महीनों बाद जब भी उद्धव जी को बागी विधायकों के विचार सही लगने लगेंगे तो सभी 40 बागी विधायक शिवसेना में लौट आएंगे। यहाँ ध्यान रहे कि बागी विधायकों की ओर से मीडिया के सामने पक्ष रखने की जिम्मेदारी विधायक दीपक केसरकर को सौंपी गई थी। केसरकर ने यह भी कहा था कि शिवसेना के सभी बागी विधायक फिर घर लौट आ सकते हैं, सिर्फ उद्धव ठाकरे उनके विचारों से सहमत हो। इसी बीच अचलपुर विधानसभा के विधायक व राज्य के पूर्व जल संसाधन राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने पुलिस सुरक्षा वापस लौटा दी। महाविकास आघाड़ी सरकार में रहते समय बगावत कर एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने पर उनके निवास स्थान पर भी पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी। मुंबई से अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचने के बाद बच्चू कड़ू ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। रात को जब वो बेलोरा गांव अपने निवास स्थान पहुंचे तो उन्हें पुलिस का कड़ा पहरा नजर आया। उन्होंने तत्काल मुंबई IG कृष्ण प्रकाश से संपर्क कर मुंबई से मिली पुलिस सुरक्षा को हटाने का अनुरोध किया।
शिंदे सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई का इंतजार कर रही है। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई होने के बाद ही होने की संभावना है। रणनीतिकार मानते हैं कि शिंदे तब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के 16 बागियों की अयोग्यता और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से शिंदे गुट के नेता को पार्टी के नए व्हिप के रूप में मान्यता देने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के सुनील प्रभु की उस याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई के लिए तैयार हो गया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे और उन 15 बागी एमएलए को विधानसभा से निलंबित करने की मांग की है, जिनके खिलाफ अयोग्यता का मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की वैकेशन बेंच से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी गुहार लगाई थी कि इस मामले को तत्काल सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री समेत 16 विधायकों की अयोग्य ठहराने का मामला लंबित पड़ा हुआ है। नया व्हिप शिवसेना के सीएम शिंदे गुट के विधायक को बनाया गया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अगुवाई वाले वैकेशन बेंच ने कहा था कि ताज़ा याचिका गर्मी की छुट्टियों के बाद 11 जुलाई को वही बेंच बाकी लंबित याचिकाओं के साथ सुनेगी। महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर करने के बाद भाजपा हाईकमान बैलेंस बनाने की कोशिश में है और इसके तहत कुछ ऐसे नेताओं को अहम रोल मिल सकता है जो अब तक किनारे लग रहे हैं। माना जा रहा है कि सबसे अहम गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस की बजाय सुधीर मुनगंटीवार को दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य नेताओं की कैबिनेट में एंट्री हो सकती है जिनकी फडणवीस से नहीं बनती। ये भी कहा जा रहा है कि हाईकमान की ओर से ही तय किया जाएगा कि शिवसेना से आए और किन निर्दलीय विधायकों को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। खासतौर पर मुंबई के विधायकों पर फोकस किया जा रहा है, इसलिए एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे में भी हाईकमान देवेंद्र फडणवीस को फ्री हैंड देने का मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान की राय है कि पार्टी लीडरशिप को न सिर्फ सरकार पर मजबूत पकड़ रखनी चाहिए बल्कि पार्टी में भी उसका दखल बना रहना चाहिए। कैबिनेट में जिन भाजपा नेताओं को अहम मंत्रालय मिलने की चर्चा है उनमें आशीष शेलार भी शामिल है जो बांद्रा पश्चिम के विधायक है। वह अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं। यही उन्हें मंत्रालय नहीं मिलता है तो फिर प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आशीष शेलार मुंबई से पार्षद रहे हैं और बीएमसी में उनका अच्छा दखल माना जाता है। दरअसल मुंबई और ठाणे में खुद को मजबूत करना चाहती है जहाँ शिवसैनिकों की अच्छी पकड़ मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आजम खान के परिवार पर अभिजी का शिकंजा कसने लगा है तो देश में आटा की बढ़ती कीमतों पर निर्यात की गुणवत्ता को देखते हुए सरकार ने गेहूं के आटे के निर्यात पर सख्ती बढ़ा दी है। वहीं उदयपुर हत्याकांड के बाद भरतपुर जिले में भी दो लोगों को एक पत्र मिला है जिसमें धमकी दी गई है कि 10 दिन के अंदर सर स्तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो उधर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में टीएमसी नेता स्वपन मांझी की आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके साथ ही दो अन्य लोगों की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच पंजाब के सीएम भगवान मान दूसरी बार दूल्हे बने। उन्होंने डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ सीएम आवास में फेरे लिए। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 27 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। आजम के परिवार पर अभिजी का शिकंजा कसने लगा है। आजम खान ने रामपुर में कहा कि ईडी सीडी जो भी बुलाएगा जाएंगे पर कुछ नहीं बताएंगे। दरअसल आजमा खान पर ईडी ने 2019 में केस दर्ज किया था। इस दौरान आजम खान पर जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन कब्जाने के कई मुकदमे दर्ज थे। आजम खान को भूमाफिया भी घोषित कर दिया गया था। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने कल बुधवार को उनसे 6.5 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान जौहर अली ट्रस्ट से जुड़े लेन देन के अलावा उनके आय के स्रोत के बारे में भी सवाल किए गए। ईडी ने नोटिस जारी करके उन्हें 15 जुलाई तक पेश होने को कहा था लेकिन वो पहले ही पहुंच गए। सूत्रों के अनुसार ईडी के अफसरों ने उनसे रामपुर में स्थापित जौहर विश्वविद्यालय और उनका संचालन करने वाले ट्रस्ट को हुई फंडिंग के बारे में जानकारी मांगी। ईडी को इस ट्रस्ट में कुछ संदिग्ध लेन देन होने का अंदेशा है। ईडी ने उन्हें आज भी बुलाया और बैंक स्टेटमेंट और निवेश से संबंधित दस्तावेज मुहैया कराने को कहा है। ईडी ने अगस्त 2019 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। ईडी ने सीतापुर जेल में जाकर भी मोहम्मद आजम खान और अब्दुल्ला आजम से पूछताछ की थी। उस समय पिता पुत्र दोनों सीतापुर जेल में निरुद्ध थे। अब एक बार फिर अब्दुल्ला आजम के साथ ही उनकी माँ और पूर्व सांसद तंजीम फातिमा को भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है।
देश में आटा की बढ़ती कीमतों और निर्यात की गुणवत्ता को देखते हुए सरकार ने गेहूं के आटे के निर्यात पर सख्ती बढ़ा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक अधिसूचना से ये जानकारी मिली है। इसके मुताबिक गेहूं के आटे का निर्यात मुक्त रहेगा, लेकिन ये अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिश के अधीन होगा। इसके तहत अब सभी निर्यातकों को शिपमेंट से पहले गेहूं निर्यात पर अंतर मंत्रालयी समिति से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पहले इस तरह के नियम नहीं थे। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि गेहूं और गेहूं के आटे में वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान ने कई नए प्लेयर्स मार्केट में आ गए हैं। इस वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव और गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर गौर करने की जरूरत हो गई है। भारत से गेहूं के आटे के निर्यात की गुणवत्ता बनाए रखना जरूरी है। इसके अलावा कीमतों पर भी काबू रखना अनिवार्य है। नोटिफिकेशन के मुताबिक गेहूं के आटे की निर्यात नीति मुक्त रहती है और इस पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। ये प्रावधान मैदा और अन्य तरह के आटों के निर्यात पर भी लागू होगा। वही ये फैसला 12 जुलाई से प्रभावी होने वाला है। पिछले महीने खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने गेहूं के आटे के निर्यात पर संभावित अंकुश लगाने का संकेत दिया था कि गेहूं को निर्यात के लिए ज्यादा मात्रा में आटे में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गेहूं एक रेगुलेटेड कमोडिटी है। बता दें कि बीते मई माह में सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। उदयपुर हत्याकांड के बाद भरतपुर जिले में भी दो लोगों को एक पत्र मिला है, जिसमें धमकी दी गई है कि 10 दिन के अंदर सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। धमकी मिलने के बाद पुलिस ने सुरक्षा के लिए दोनों लोगों के घरों पर सादी वर्दी में पुलिस दस्ता तैनात कर दिया है। मामला कैथवाड़ा थाना इलाके के गांव राव का है, जहां के रहने वाले दो व्यक्ति सतीश और प्रमोद को पत्र के माध्यम से धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि इस गांव के रहने वाले मुकेश शर्मा नाम के एक एम्बुलेंस चालक पिछले दिनों एम्बुलेंस लेकर कहीं जा रहे थे, तभी पहाड़ी थाना इलाके में बाइक पर सवार कुछ बदमाशों ने उसको एक पत्र सौंपा। इन लोगों ने एम्बुलेंस चालक को धमकी दी कि ये खत अपने गांव के दो लोगों को दे देना, ये चिट्ठी उनको नहीं पहुँचाई तो तेरे साथ भी गलत हो जाएगा। एम्बुलेंस कर्मी मुकेश शर्मा ने इस पत्र को पुलिस को सौंपा और शिकायत दर्ज कराई है। गांव के जिन दो लोगों का सर धड़ से अलग करने की धमकी दी गई है, उनमें सतीश एक व्यापारी है और प्रमोद एक सरकारी शिक्षक है। दोनों ने तुरंत पुलिस को इस मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने लोगों के घर पर पुलिस दस्ता तैनात कर दिया। पीड़ित सतीश चंद्र के पुत्र मोहित खंडेलवाल ने बताया कि मेरे पिता किराना व्यापारी है, हमारे गाँव के रहने वाले एम्बुलेंस चालक मुकेश शर्मा पहाड़ी से एम्बुलेंस लेकर आ रहा था, उसी दौरान मुकेश को बाइक पर सवार लोगों ने रोका और धमकी भरा पत्र सौंपने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में टीएमसी नेता स्वपन मांझी की आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके साथ ही दो अन्य लोगों को गोली मारी गई, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये तीसरा हत्याकांड आज सुबह उस वक्त हुआ जब टीएमसी नेता बाइक से अपने दो साथियों के साथ घर निकल रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल को रोककर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। गोलियां लगने से टीएमसी लीडर और उनके दोनों साथियों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया। मौके से कारतूस के खोखे और बम बरामद किए जाने की खबर है। स्वपन मांझी टीएमसी के नेता है और स्थानीय पंचायत के सदस्य भी थे। केनिंग पश्चिमी के टीएमसी विधायक परेश रामदास ने कहा कि हत्यारों ने पहले तो टीएमसी नेता समेत तीन लोगों को गोली मारी और फिर उनके सिर भी काटने की कोशिश की थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीन लोगों की हत्या हुई है, जांच जारी है। मृतकों की पहचान स्वपन मांझी, झांतू हल्दर और भूतनाथ प्रामाणिक के तौर पर हुई है। यह घटना आज सुबह करीब 9 बजे हुई, जब तीनों टीएमसी के स्थानीय दफ्तर जा रहे थे। दरअसल 21 जुलाई को टीएमसी की दक्षिण 24 परगना में एक रैली होने वाली है, उसकी तैयारियों के लिए ही स्वपन मांझी अपने साथियों के साथ निकले थे। विधायक परेश रामदास ने कहा, मांझी मंगलवार रात को मेरे पास आए थे और कहा था कि मेरी हत्या की जा सकती है। मैंने उनसे कहा था कि गुरुवार दोपहर को आए ताकि मैं पुलिस से बात करूं और सुरक्षा की कुछ व्यवस्था कराई जा सके। पंजाब के सीएम भगवंत मान गुरुवार को दूसरी बार दूल्हा बने। उन्होंने डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ सीएम आवास में फेरे लिए। अरविंद केजरीवाल ने पिता की तो राघव चड्ढा ने भाई की रस्में निभाई। शादी में मान और गुरप्रीत के परिवार के अलावा केजरीवाल का परिवार भी शामिल हुआ। 32 साल की 38 साल के गुरप्रीत भगवंत से 16 साल छोटी है। दोनों की मुलाकात करीब 4 साल पहले हुई थी। भगवंत की ये दूसरी शादी है। पहली पत्नी से उन्होंने 2015 में तलाक लिया था। पहली शादी से मान के दो बच्चे 17 साल के दिलशान और 21 साल की सीरत मां के साथ अमेरिका में रहते हैं। डॉक्टर गुरप्रीत कौर मूल रूप से हरियाणा के पिहोवा के वार्ड 5 स्थित तिलक कॉलोनी की रहने वाली है। उन्होंने अम्बाला के मुलाना मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की है और वो अब राजपुरा में रहती है। परिवार की माने तो गुरप्रीत के साथ भगवंत की बहन की अच्छी दोस्ती है।
इसी कारण मान का परिवार गुरप्रीत को अच्छी तरह जान पाया। भगवान और गुरप्रीत की 2019 में पहली बार मुलाकात हुई थी। उस समय मान संगरूर से सांसद थे। वे मान के सीएम पद के शपथ समारोह में दिखाई दी थी। मान की पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर से रिश्ते राजनीति की वजह से खराब हुए थे। 2014 में उन्होंने संगरूर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, तब उनकी पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर ने प्रचार भी किया था। हालांकि अगले ही साल रिश्ते बिगड़ने लगे। मान का कहना था कि वह परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे। परिवार और पंजाब में से उन्होंने पंजाब को चुना, जिसके बाद 2015 में उनका तलाक हो गया। पत्नी बेटा बेटी को लेकर अमेरिका चली गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले श्रीलंका के खेमे से बुरी खबर सामने आई है। टीम के तीन खिलाड़ी धनंजय डी सिल्वा, जेफरी वेंडरसे और असिथा फर्नांडो दूसरे टेस्ट से पहले कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो रूस ने ब्रिटेन को सलाह दी है कि वो हमारे विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग करने से स्थान पर अपने आंतरिक संकट से निपटे तो उसके लिए बेहतर होगा। वहीं तालिबान ने भारत सरकार से मांग की है कि वो अफगानिस्तान के छात्रों को वापस भारत बुलवाए। तो उधर ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा कि धर्म या आस्था की स्वतंत्रता एक मौलिक स्वतंत्रता है, जैसे कि स्वतंत्र भाषण या लोकतंत्र। लेकिन दुनिया की 80% से अधिक आबादी उन देशों में रहती है जहाँ धर्म या आस्था की स्वतंत्रता खतरे में है। इसी बीच साउथ अमेरिका के बोलिविया में नींद में पति के मुंह पर किसी और लड़की का नाम सुन गुस्से में पत्नी ने उसके शरीर पर खौलता हुआ पानी फेंक दिया। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले श्रीलंका के खेमे से बुरी खबर सामने आई है। टीम के तीन खिलाड़ी धनंजय डी सिल्वा, जेफरी वेंडरसे और असिथा फर्नांडो दूसरे टेस्ट से पहले कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट 8 जुलाई से गाले के गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होना है। श्रीलंका क्रिकेट ने कहा कि कल किए गए रैपिड एंटीजन टेस्ट के दौरान तीनों खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर पहला टेस्ट आराम से जीता और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है। श्रीलंका क्रिकेट टीम को पहले मैच में भी कोविड की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। टीम के स्टार बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज दूसरे दिन कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद ओशादा फर्नांडो को उनकी जगह खेल के तीसरे दिन शामिल किया गया। हालांकि अच्छी खबर यह है कि मैथ्यूज कोविड से रिकवर कर गए हैं और वह दूसरे टेस्ट मैच में चयन के लिए उपलब्ध होंगे। कोई भी खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे 5 दिन आइसोलेशन में रखना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ T20 श्रृंखला 2-1 से जीती, जबकि मेजबान टीम ने 3-2 से सीरीज जीतकर वनडे इंटरनेशनल ट्रॉफी पर कब्जा किया। ऑस्ट्रेलिया की नज़र दूसरा टेस्ट और सीरीज जीत पर होगी। रूस ने ब्रिटेन को सलाह दी है कि वो हमारे विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग करने के स्थान पर अपने आंतरिक संकट से निपटे तो उसके लिए बेहतर होगा। मॉस्को के अनुसार रूस का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, जबकि वो खुद ही गंभीर आंतरिक राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि वो देश जो अपनी आंतरिक समस्याओं के समाधान में अक्षम दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन रूस के विरुद्ध बेपनाह पैसा खर्च करते हुए अपनी सारी शक्ति झोंक चुका है, जबकि उसे अपनी आंतरिक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। याद रहे कि बोरिस जॉनसन की सरकार को पिछले कुछ महीनों से कई प्रकार के संकटों से गुजरना पड़ रहा है। इसी बीच उनकी सरकार के 2 मंत्रियों ने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिए हैं। ब्रिटेन के चांसलर ऋषि सोनिक और वहां के स्वास्थ्य मंत्री साजिदी जावेद ने त्याग पत्र देने के साथ ये घोषणा की है कि देश के संचालन में उन्हें बोरिस जॉनसन के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रह गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने कहा कि सरकार राष्ट्रहित में काम नहीं कर रही है। सोनिक और जावेद ने कहा कि कई अधिकारियों ने भी पद छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिनमें से कुछ ने तो लाइव टीवी प्रसारण में आकर अपने त्याग पत्र का ऐलान किया है। इन हालात को देखते हुए रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का ये बयान उचित दिखाई देता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने के बजाय अपने आंतरिक संकट के समाधान के प्रयास करने चाहिए। ब्रिटेन की ओर से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तालिबान ने भारत सरकार से मांग की है कि वो अफगानिस्तान के छात्रों को वापस भारत बुलवाए। रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के नेताओं ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि अफगानिस्तान के वे छात्र जो भारत में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उनको वो वापस बुलवाए। तालिबान की ओर से ये मांग अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के साथ अफगानिस्तान के छात्रों की भेंट के बाद की गई है। इन छात्रों ने मुत्तकी से भारत वापस आकर
अपनी पढ़ाई फिर से आरंभ करने की मांग की थी। याद रहे कि पिछले साल अगस्त में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर नियंत्रण कर लिया था, उसके बाद विश्व के बहुत से देशों ने अफगानिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर लिए थे। भारत भी उन देशों में शामिल था। उस समय से बहुत से अफगानी छात्रों की पढ़ाई अधर में पड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान के कुछ छात्र जो कोरोना काल में स्वदेश चले गए थे, वे भी वापस भारत जाकर अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में इस समय 13,000 से ज्यादा अफगान छात्रों ने दाखिला लिया हुआ है। ये आंकड़ा नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास से मिला है। उनसे मिले आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि अगस्त 2021 में तालिबान के जबरन सत्ता हथियाने के पहले इनमें से करीब 2,000 छात्र अफगानिस्तान लौट गए थे। उनके वापस लौटने का कारण ये था कि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो गए थे और लेक्चर्स सेमिनार जब ऑनलाइन होने लगे थे, जब छात्रों को फिर से क्लास में बुलाया जाने लगा, उस समय तक अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ चुका था और हालात बदल गए थे। ब्रिटेन सरकार द्वारा धर्म या आस्था की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लंदन में एक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मंगलवार को शुरुआत हुई। शिखर सम्मेलन की शुरुआत में ब्रिटेन की विदेश सचिव ने दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बढ़ रहे खतरों के क्रम में हिंदुओं के उत्पीड़न के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। लंदन के क्वीन एलिजाबेथ टू सेंटर में आयोजित सम्मेलन में भाषण के दौरान ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रूस ने कहा कि धर्म या आस्था की स्वतंत्रता एक मौलिक स्वतंत्रता है, जैसे कि स्वतंत्र भाषण या लोकतंत्र, लेकिन दुनिया की 80% से अधिक आबादी उन देशों में रहती है जहां धर्म या आस्था की स्वतंत्रता खतरे में है। यूके ने सदियों से यदुही समुदाय के भयावह उत्पीड़न, शिनजियांग क्षेत्र में चीन सरकार द्वारा उइगर मुसलमानों को निशाना बनाने, नाइजीरिया में ईसाइयों के उत्पीड़न और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा का भी जिक्र किया। यूके ने कहा कि ये चंद उदाहरण है। आगे कहा गया कि हम जानते हैं कि हिंदुओं, मानवतावादियों और कई अन्य लोगों पर उनकी आस्था और विश्वास के लिए मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें सताया जाता है। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर रूसी सैनिकों द्वारा किए गए जघन्य युद्ध अपराधों का आरोप लगाया। यूके की विदेशी मंत्री लीज ट्रूस ने कहा कि निर्दोष नागरिकों को रूस की अंधाधुंध बमबारी से बचने के लिए पूजा स्थलों में शरण लेनी पड़ सकती है। चर्च और मस्जिद मलबे में दब गए हैं। इस आयोजन का मकसद अंतर्राष्ट्रीय सरकारों और पंथ नेताओं को एक साथ लाना है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर कोई सभी जगह अपने धर्म या आस्था का स्वतंत्र रूप से पालन कर सके। पति पत्नी के बीच एक अजीबोगरीब मामला साउथ अमेरिका के बोलिविया में हुआ। इस दंपति ने, पति की उम्र 45 साल है, महिला ने सोशल मीडिया पर बताया कि नींद में उसके पति किसी लड़की का बार बार नाम ले रहे थे। प्यार भरी बातें भी जुबान से निकल रही थी। रोमांस करने की कोशिश का आभास होते ही मुझे काफी गुस्सा आया। गुस्से में महिला किचन में गई, वहां उसने एक बाल्टी पानी गर्म किया और खोलता हुआ पानी पति के शरीर पर फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक महिला के पति का शरीर काफी जल गया है और उसके पीठ, प्राइवेट पार्ट, हाथ समेत शरीर के कई जगहों हिस्से काफी जल गए हैं। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि पड़ोसियों की मदद से वो अस्पताल में भर्ती हुआ। महिला ने गुस्से में उसे देखा तक नहीं। इसके बाद अस्पताल से ही उस व्यक्ति ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि महिला का पति शरीर पर खौलता पानी फेंके जाने के बाद बहुत बुरी तरह से चीख रहा था। उसकी चीखें सुनकर हम लोग दौड़े और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय पुलिस ने पड़ताल शुरू की है। हालांकि बोलीविया की स्पेशल क्राइम फाइटिंग फोर्स के डिप्टी डायरेक्टर जुआन जोस ने बताया कि ये कोई पहली बार नहीं है जब महिला ने अपने पति पर जानलेवा हमला किया हो। इससे पहले भी महिला एक बार अपने पति पर जानलेवा हमला कर चुकी है। एक बार महिला ने अल्कोहल डालकर अपने पति को जिंदा जलाने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि पिछली घटना के वक्त महिला अपने पति के किस बात से नाराज हो गई थी। तो बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।